नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। यूपी के मुगलसराय में एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। आधी रात को पेट्रोल पंप पर पहुंचे तीन लोगों ने न सिर्फ पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की बल्कि पंप के मालिक को भी पटक पटक कर मारा। गुंडागर्दी की सीसीटीवी तस्वीर यूपी के मुगलसराय के एक पेट्रोल पंप की है। तस्वीरों में भारी भरकम कदकाठी का एक शख्स एक बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर का माजरा बताएं, पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से घटना दिखाते हैं। 26 अप्रैल रात 10:56, पेट्रोल पंप के कैशियर रूम में दो लोग घुसते नजर आ रहे हैं। एक शख्स भारी भरकम कदकाठी का है जबकि दूसरा दुबला पतला। अंदर दाखिल होते ही मोटा वाला शख्स कैशियर से भिड़ जाता है। वहीं खड़े पंप के दूसरे कर्मचारी ने जब कुछ कहने की कोशिश की तो हमलावर ने उसे भी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। सेकंड बाद ही पिट रहे कर्मचारियों को बचाने पंप का मालिक दाखिल होता है, लेकिन अब वो खुद हमलावर के निशाने पर आ जाता है। पंप का मालिक मार खाते खाते जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हमलावर पर तो मानो भूत सवार था। तब तक इस पिटाई में उसका एक और साथी शामिल हो जाता है। करीब 3 मिनट तक चला ये बवाल। बाइक से पहुंचे तीनों हमलावर पंप कर्मचारियों की पिटाई कर आसानी से फरार हो जाते हैं। पंप के कर्मचारियों का कहना है कि हमलावरों ने बगैर पेट्रोल भराए कम पेट्रोल देने का आरोप लगाकर झगड़ा शुरू किया था। तीन लोग आए जिसमें एक थोड़ा सा हैवी पर्सनालिटी था, दो जो पतले दुबले थे सब, और आए से पहले हमारे आइलैंड बॉय को उतरते बिना बात का जो है मारना शुरू कर दिया। ना हमारे यहाँ तेल लिया ना कुछ लिया। उसके बाद जब आइलैंड बॉय भागते हुए अंदर गया तो अंदर जाके जो है उसने फिर हमारे कैशियर को मारा। अचानक हुए इस हमले में पेट्रोल पंप के कर्मचारी और मालिक दहशत में हैं। हमलावर अब भी पकड़ से दूर हैं। उदय गुप्ता, मुगलसराय, आज तक। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की